दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी मूवी रिएक्टर पर। दोस्तों आज की मूवी की कहानी फुल साइंस फिक्शन और एक्शन से भरी होने वाली है। इस मूवी में नासा पृथ्वी जैसे ही एक ग्रह को खोज लेती है और उस ग्रह से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। फिर जो होता है ये देखने लायक होने वाला है। क्या कोई उस ग्रह से रेस्पॉन्स करता है या उस ग्रह से कॉन्टैक्ट हो पाता है ये देखने लायक है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मूवी की शुरुआत होती है और हमें 2005 का समय दिखाया जाता है, जहां पर हमें एक नासा का वैज्ञानिक बता रहा होता है जिस तरह से पृथ्वी सौर मंडल में और सूर्य का चक्कर लगा रही है जिससे की धरती पर जीवन है। उसी तरह के सौर मंडल को उन्होंने खोज लिया जिसमे की पृथ्वी की तरह ही एक और प्लैनेट है जिसे वैज्ञानिक प्लैनेट जी कह करके बुलाते हैं और इस पर जीवन होने की संभावना है। इसके बाद कहानी को 2006 में दिखाया जाता है, जहां पर प्लैनेट जी पर कांटेक्ट करने के लिए नासा के साइंटिस्टों ने हवाई के एक पहाड़ पर कम्युनिकेशन स्टेशन को बना लिया है और इस स्टेशन की मदद से वैज्ञानिक धरती से प्लैनेट जी की ओर एक रेडियो वेव तरंग को भेज देते हैं। और इसके कुछ दिन बाद नासा के वैज्ञानिकों प्लैनेट जी की ओर से 5 ऑब्जेक्ट आते हुए दिखाई देते हैं। ये एलियन शिप होते हैं, इनमें से एक शिप सैटेलाइट से टकराता है और चीन के हांगकांग में क्रैश हो जाता है जिससे हांगकांग में बड़ी तबाही होती है। ये शिप जो क्रैश हुआ होता है ये सिर्फ एलियंस का कम्युनिकेशन शिप होता है जिससे कि एलियन अपनी प्लैनेट जी आने के अपने ग्रह पर सिर्फ कांटेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब ये टूट चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी के एलियन सिर्फ हवाई के प्रशांत महासागर में लैंड हो जाते हैं और यहीं पर नेवी भी होती है जो कि यहाँ पर युद्धाभ्यास कर रही होती है। इन्हीं नेवी के शिप्स में से एक शिप पर लेफ्टिनेंट कमांडर एलेक्स होता है जो शिप में से उतरकर चेक करने जाता है कि ये चीज क्या है। जैसे ही एलेक्स एलियन ऑब्जेक्ट को छूता है एलेक्स को बिजली का बड़ा तेज का झटका मिलता है और उसके तुरंत बाद ही उस ऑब्जेक्ट से बड़ी ही तेजी से ऊपर की ओर लाइट निकलती है और अपने आसपास 2 किलोमीटर की एरिया में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देती है, यानी एक सुरक्षा घेरा बना देती है जिससे कि ना कोई बाहर कम्युनिकेट कर सकता है और ना ही कोई अंदर से कम्युनिकेट कर सकता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कवच की तरह काम करता है, यहाँ तक कि एयरफोर्स के जहाज भी इसे पार नहीं कर पाते हैं। वो जहाज टकराते ही चकनाचूर हो जाते हैं। अब सारी दुनिया में इन्हीं एलियंस के शिप्स को लेकर चर्चा हो रही होती है, पूरी दुनिया में हड़कंप मचा होता है, न्यूज चैनल पर इन्हीं की बातें हो रही होती हैं, लेकिन किसी को नहीं पता चलता ये यहाँ पर आकर आए ही क्यों हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पानी में से एलियन के शिप बाहर आ जाते हैं और ये एलियंस के बोर मशीन होती हैं जो कि लड़ाकू जहाज होते हैं। पानी से बाहर आते ही ये मशीन नेवी के शिप्स को स्कैन करने लगती हैं जिससे इन्हें पता चल जाता है कि क्या चीज इनके लिए खतरा है। और नेवी का एक जहाज जिस पर एलेक्स का भाई और कमांडर होता है वो एलियन शिप पर हमला कर देते हैं जिससे कि एलियन बोर मशीन इन्हें स्कैन करके पता कर लेती है और इन पर मिसाइल छोड़ देती है जिससे कि नेवी का ये जहाज पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और पानी में डूब जाता है। अब एलेक्स के साथ ही एलेक्स से कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब एलेक्स अपनी शिप के साथ बोर मशीन की तरफ आगे बढ़ने लगता है जिससे कि बोर मशीन इन्हें भी स्कैन कर लेती है। तभी एलेक्स का एक साथी बताता है कि अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं और पानी में हैं, हमें उन्हें बचाना चाहिए। इससे सुनते ही एलेक्स अपने जहाज को मोड़ देता है जिससे बोर मशीन इन्हें अपना टारगेट नहीं बनाती है। तभी हम देखते हैं कि बोर मशीन में से 2 कैप्सूल टाइप की मशीन निकलती है और ये सुरक्षा घेरा पार करके हवाई के एयरफोर्स अड्डे पर पहुंच जाती है और वहां पर जाकर के एयरफोर्स के जहाजों को नष्ट करने लगती है जिससे कि एलियंस एयरफोर्स से कोई खतरा ना हो। इससे इतना तो पता चल जाता है ये एलियंस धरती पर कब्जा करने के लिए आए हैं। अब ये कैप्सूल शहर में पहुंच जाते हैं और शहर में बड़ी ही तबाही मचाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर एलेक्स बोर मशीन पर अपने जहाज के सारे मिसाइल छुड़वा देता है जिसके बदले में बोर मशीन स्कैन करके मिसाइल को छोड़ देती है। तभी एलेक्स अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और तुरंत जहाज को रोकने का आदेश देता है। जहाज के रुकते ही बोर मशीन से आई हुई मिसाइलों का निशाना चूक जाता है, लेकिन एलेक्स के जहाज का निशान एकदम अचूक होता है और तुरंत बोर मशीन पर जाकर के लगता है जिससे कि बोर मशीन नष्ट हो जाती है। लेकिन कुछ एलियंस एलेक्स के जहाज पर चुपके से आ चुके होते हैं जिससे कि एलेक्स के साथ ही एक एलियन को पकड़ लेते हैं। जब एलेक्स उस एलियन का हेलमेट उतारता है तो देखता है ये एलियंस कुछ इंसानों से मिल रहे होते हैं, इंसानों जैसी ही शक्ल होती है। लेकिन ये एलियन जैसे ही जागता है तो एलेक्स के सिर को पकड़ लेता है जिससे कि वो एलेक्स के दिमाग से कम्युनिकेट हो जाता है टेलीपैथी की मदद से, जिससे कि एलेक्स को पता चल जाता है कि इन एलियंस ने पहले भी
ऐसे ही पृथ्वी की तरह और भी ग्रहों को नष्ट किया होता है और ये अब पृथ्वी को नष्ट करने के लिए आए हैं। तभी शिप पर और भी एलियंस आ जाते हैं जिन्हें देखते ही एलेक्स और उसके साथी छिप जाते हैं और ये एलियंस अपने साथी को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। लेकिन तभी एलेक्स को एक एलियन देख लेता है। एलेक्स एलियन को देखते ही भागने लगता है और भागते हुए उस एलियंस को जहाज की तोप के सामने ले आता है और अपने फीमेल साथी से इशारा कर देता है। इशारा मिलते ही फीमेल साथी तोप चला देती है और एलियंस मारा जाता है। इसके बाद एलेक्स और उसके साथी से कोई कम्युनिकेट कर रहा होता है। जब एलेक्स बात करता है तब पता चलता है ये एलेक्स की गर्लफ्रेंड है जो नासा में काम करती है। वो एलेक्स को बताती है कि कम्युनिकेट स्टेशन पर एलियंस ने कब्जा कर लिया है और ये अपने ग्रह पर संपर्क करना चाहते हैं क्योंकि एलियंस का जो कम्युनिकेट शिप था वो हांगकांग में क्रैश होने की वजह से नष्ट हो चुका है जिससे ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते। एलेक्स की गर्लफ्रेंड बताती है कि अभी भी हमारे पास टाइम है क्योंकि यहाँ से संपर्क करने के लिए सैटेलाइट को स्टेशन की रेंज में आना होता है जो कि सिर्फ 24 घंटे में एक बार होता है। इससे पहले कि सैटेलाइट रेंज में आए उससे पहले तुम स्टेशन को तबाह कर दो। तभी संपर्क टूट जाता है। एलेक्स की गर्लफ्रेंड जिस डिवाइस से कम्युनिकेट कर रही होती है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस डिवाइस होता है इसी वजह से वो सुरक्षा घेरा पार करके कम्युनिकेट कर पाई। अब रात हो चुकी होती है इसलिए एलियन सिर्फ दिखाई नहीं दे रहे होते हैं और ना ही रेडार पर होते हैं। तभी हम एक जापानीज कैप्टन योगी को देखते हैं जो एलेक्स को बताता है कि क्यों ना हम एलियंस को ढूंढने के लिए मौसम विभाग के डिवाइसों का प्रयोग करें जो कि समुद्र में होते हैं जिससे कि मौसम विभाग के लोग पता करते हैं कि कहां पर लहर ऊंची और कहां पर नीची। जहां भी एलियन शिप होंगे वहां पर पानी अस्त व्यस्त होगा यानी कि ऊंचा नीचा जरूर होगा। और एलेक्स और उसके साथी ऐसा ही करते हैं और पानी में एलियंस को ढूंढ लेते हैं और तुरंत ही अपने जहाज से बहुत सारे मिसाइल को छोड़ देते हैं जिससे कि एलियंस के दो जहाज तबाह हो जाते हैं। लेकिन अब एलियंस को भी इनकी जगह के बारे में पता चल चुका होता है और एलियन जहाज बड़ी तेजी से इनकी ओर आने लगते हैं। ये देख करके एलेक्स अपने कैप्टन को पास के टापू पर जहाज ले जाने के लिए कहता है जिससे कि वो वहां पर जाकर छिप सकें और दिन होने का इंतजार कर सकें क्योंकि एलियन दिन में कम दिखाई देता है जिससे इन्हें ज्यादा फायदा हो सकता है और उन्हें मार भी सकते हैं। ये लोग ऐसा ही करते हैं और सूर्योदय होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही सूर्योदय होता है एलेक्स के सारे मिसाइल को इस जहाज पर छोड़ देता है जिससे कि एलियन बोर मशीन पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और पानी में डूबने लगती है। पानी में डूबने से पहले एलियन बोर मशीन दो कैप्सूल और छोड़ देती है जो कि एलेक्स के जहाज पर आकर के गिरते हैं और ये एलेक्स के जहाज को नष्ट करने लगते हैं। तभी एलेक्स और उसके साथी पानी में कूद जाते हैं और अपने आप की जान बचा लेते हैं लेकिन नेवी का जहाज पानी में डूब जाता है। अब एलेक्स के पास बहुत कम समय बचा होता है क्योंकि सैटेलाइट जल्द ही स्टेशन की रेंज में आने वाला होता है लेकिन अब एलेक्स के पास कोई जहाज भी नहीं होता है। लेकिन तभी एलेक्स को एक जहाज दिखाई देता है जो 90 के दशक में यूज किया गया था जिसे अब म्यूजियम बना दिया होता है। एलेक्स उसके जहाज के कैप्टन के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है। वो तैयार हो जाते हैं क्योंकि एलेक्स और उसके साथ इस जहाज को नहीं चलाने जानते क्योंकि ये पुरानी तकनीक से बना होता है इसलिए उस पुराने जहाज को चलाने के लिए कैप्टन और उसके साथ ही मदद करते हैं। जब एलेक्स अपने जहाज के साथ स्टेशन के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर एक और एलियन शिप है जिससे कि सुरक्षा घेरा बनाया होता है और ये मदरशिप होती है। मदरशिप नेवी के जहाज को स्कैन कर लेती है और इसे पता चल जाता है कि इस जहाज पर हथियार हैं। इससे पहले मदरशिप कुछ करती है एलेक्स अपने सारे के सारे हथियार मदरशिप पर चलवा देता है और मदरशिप नष्ट हो जाती है। अब एलेक्स के जहाज पर एक भी मिसाइल बची होती है जिससे कि एलेक्स स्टेशन पर छोड़ देता है जिससे कि स्टेशन के साथ साथ वहां पर मौजूद सारे के सारे एलियंस मारे जाते हैं और इस तरह से एलेक्स अपने साथियों के साथ पृथ्वी को बचा लेता है। इस बहादुरी के लिए एलेक्स और उसके साथियों को रिवॉर्ड भी मिलता है। अब हमें लास्ट पता चलता है एलेक्स की गर्लफ्रेंड नेवी के कमांडर की बेटी होती है जिससे कि कमांडर एलेक्स को ज्यादा पसंद नहीं करता था लेकिन अब एलेक्स की इस बहादुरी के बाद कमांडर उसे लंच पर बुलाता है जिससे एलेक्स बहुत खुश होता है और यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। ये मूवी सन 2012 में रिलीज हुई थी और आप बताइए आपको एक्सप्रेशन कैसी लगी कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।